अपनी एक तजवीज़ पेश की है कि एक रेक्टिफिकेशन टीम होनी चाहिए। तहफ्फुज़ माहौलियात के डायरेक्टर जनरल ज़हीर अब्बास मलिक ने लाहौर चैम्बर में इजलास से खताब करते हुए सनअतों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का वादा किया और पंजाब में इस स्मोक के बहरान से निपटने की अहमियत पर जोर दिया है। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी इस मौके पर खताब किया। इजलास में नसीम शाह, डॉक्टर यूनस, मैडम शासिया, डायरेक्टर इन्वायरमेंट रोटा, ईसी मेंबर लाहौर चैम्बर मलिक नदीम, फरीहा यूनस, मोहम्मद तैयब सदर अल पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, सज्जात अनवर जनरल सेक्रेटरी, रावी इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन और मरकजी वॉइस चेयरमैन लोहा मार्केट मिस्त्री शाह, आबिद सईद मुगल वॉइस प्रेसिडेंट जोन शादीपुरा, इजिया भट्ट इंजीनियर, हाफिज मोहम्मद हसन और ताजरों की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौके पर निजाम टीवी के एंकर डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल से गुफ्तगु करते हुए मुकर्ररीन का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। जो सेशन था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। वी रियली गॉट अ चांस कि डीजी साहब से जिस तरह हर बंदा एक अच्छे फ्रेंडली माहौल में बैठ के बात कर सके, अपने कंसर्न शेयर कर सके, ठीक है। मैंने एडवाइस किया, अपनी एक तजवीज़ पेश किया कि एक रेक्टिफिकेशन टीम होनी चाहिए। जिस तरह इनकी टीम में एक हैं डॉक्टर यूनस साहब हैं, वो जब भी किसी जगह इदारे पर जाते हैं तो वो आगे से बताते हैं आप ऐसे 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 कर लें, ठीक है। पॉइंट एंड द पर्पस हेयर इज़ नॉट कि हम लोग इंडस्ट्री को बैन करें या उसको बंद करते जाएँ, ठीक है। होना ये चाहिए कि इसको मजीद फ्लरिश करना चाहिए कि किस तरह बेहतर तरीके से चल सकती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहां हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल, मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें